सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट चार तगड़े नए फोन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग के पास है Mi 10i और इस फोन के अंदर मिलेगा 4820 mAh बैटरी, ऑलमोस्ट 5000 आप बोल सकते हैं उसको। और इसके साथ आता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर। और यहाँ पे जो तीन फोन है Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 और Mi 10i, इन तीनों ही में आपको सेम 33 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। सेम चार्जर है लेकिन अलग अलग बैटरी है। और अगर बात करते हैं Redmi Note 10 की तो इसके अंदर मिलेगा 5000 mAh की बैटरी और 5000 के साथ इसके अंदर सेम 33 वॉट का चार्जर है। काफ़ी पतला फोन है भाई 5000 के हिसाब से। अगर आप देखो Mi 10i के कंपैरिजन में Note 10 काफ़ी ज़्यादा पतला फोन है और हाथ में काफ़ी ज़्यादा सही फील आता है। और अगर बात करते हैं Realme X7 की तो इसके अंदर सबसे कम 4300 mAh बैटरी है लेकिन भाई चार्जर इसमें है 65 वॉट का। ये रहा इसका चार्जर, सुपर डार्ट चार्जर है, सबसे ज़्यादा हेवी चार्जर है यहाँ पे इस कंपैरिजन में। इसको भी देखेंगे कहाँ तक बीट करता है ये सबको। और लास्ट में हम लोग के पास है Redmi Note 10 Pro, इसके अंदर सेम 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट का चार्जर है। मेरे पास ऐसे ऐसे 5 चार्जर हो चुके हैं रिसेंटली। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लेना है। काफ़ी सही फ़ोन है, सबका चार्जर रेडी हो चुका है। बराबर पावर सप्लाई के लिए 2 चार्जर यहाँ पर लगेगा और 2 इस टेबल के जस्ट नीचे, अगर आप देख सकते हो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले वायर कनेक्ट करते हैं सबका। ये दो नए फ़ोन का नया नया चार्जर खुल रहा है, अनबॉक्सिंग मैंने खोला था। तो ऑल सेट गाइस, सारा तार वार लग चुका है। सबसे पहले टेम्परेचर ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर। सो अभी रूम टेम्परेचर है अराउंड 27.4। अभी एसी चला था लेकिन एसी अभी ऑफ हो चुका है। ऑल डिवाइसेस का भी अराउंड वही है, ये तो और ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई, 27 मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी सारे ही फ़ोन ऑफ हैं, आप देख सकते हो एक बार। तो चलिए अपना टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और ऑन कर देते हैं सारा स्विच। चारों फोन में लाइट्स आ चुके हैं यहाँ पे, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। 5 मिनट हो गए सारे फोन को मैंने ऑन कर दिया। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। रियलमी X7 है 20% पे, Mi 10i है 17% पे, Redmi Note 10 है 16 पे, Redmi Note 10 Pro है 10% पे। और एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं, 36 पे चला गया Mi 10i, 36.3 पे है Realme X7 MediaTek का प्रोसेसर इसके अंदर, 37 पे है Note 10 और अगेन 37 पे Note 10 Pro। सो अभी आपसे मिलते हैं 20 मिनट पे। Mi 10i 37%, Realme X7 40% पे है, Note 10 है 31 पे और Note 10 Pro काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है 20% पे है। और मेक श्योर करो कि ये आपको रीड कर रहा है फास्ट चार्जिंग को, इसका मतलब ये कि चार्जर इसका काम कर रहा है सही से। मैंने सारा सेटिंग चेक कर लिया इसके अंदर लेकिन ये स्लो चार्ज हो रहा है पहले ही से। ये है Note 10, ये है Note 10 Pro, दोनों ही में आपको MIUI 12 है लेकिन भाई हल्का सा डिफरेंस है। लेकिन MIUI 12 का इसमें लेटेस्ट वर्जन 12.6.0 है, ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। और इसमें हल्का सा डिफरेंट UI है लेकिन मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ तो पुराना वाला UI ज़्यादा सही लग रहा था। तो अभी टेम्परेचर की बारी, 38.3 हो रहा है Mi 10i, Realme X7 39.9 मतलब 40 डिग्री हो रहा है। Note 10 तो और ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 41 डिग्री। और सबसे ज़्यादा ठंडा और पीछे हो रहा है 38 डिग्री पे Note 10 Pro, इसका मतलब ये स्लो चार्ज हो ही रहा है। तो अभी आपसे मिलते हैं आधे घंटे पे। सो आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, 54% पे Mi 10i, 59 पे है Realme X7, 39 काफ़ी पीछे हो चुका है Note 10 और Note 10 Pro है आपको 32 पे। भाई इतना स्लो क्यों चार्ज हो रहा है मेरे कोई आइडिया नहीं है, लिटरली मैंने हर एक चीज़ चेक कर ली है, क्या पता इसमें कोई अपडेट के बाद फिक्स हो जाए, लेकिन अभी के लिए यही रिजल्ट आ रहा है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 39 पे है Mi 10i, Realme X7 है 39.8, 39.3 पे है Note 10 और 38.4 पे है Note 10 Pro। Note 10 Pro इतना गर्म नहीं है लेकिन बाकी सारे फ़ोन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहे हैं। और रूम टेम्परेचर है 30 पे। सो 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। Mi 10i है 73% पे, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसका अभी तक। और 80% के बाद ये जो चार्जर होता है Xiaomi का काफ़ी स्लो हो जाता है। और आपको 81% पे Realme X7, Note 10 है 55% पे और Note 10 Pro है 47% पे। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड वही सिमिलर कंडीशन पे है, सबसे आगे Realme X7 है, उसके बाद पे Mi 10i। और ये दोनों Note 10 है Note 10 Pro नए वाले फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज हो रहे हैं, तो शायद से इनको अपडेट्स की ज़रूरत है, उसके बाद फिक्स हो पाएगा। और सारे फ़ोन में एरोप्लेन मोड ऑन है, इसका मतलब है कि सब सेम कंडीशन पे है,
तो वेट करते हैं। सो गाइस 1 घंटा 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है और रियलमी X7 फुल चार्ज होने ही वाला है 99% पे। मी 10i भी 94% पे, काफ़ी सही परफॉर्मेंस है भाई इसका। और अपडेट के बाद ये काफ़ी फिक्स कर दिया इन्होंने चार्जिंग इश्यू इसका, तो मेरे को बहुत सही लगा चार्जिंग स्पीड इसका। और नया वाला Redmi Note 10 और Note 10 Pro है 69% पे और ये है 62% पे। तो अभी वेट करेंगे इसका 100% होने, फुल चार्ज होने पे Realme X7 का हो गया 37%, काफ़ी लूज कर दिया टेम्परेचर इसने। और आगे से भी ठंडा हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, लिटरली काफ़ी ठंडा हो रहा है। चार्जर काफ़ी गर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 44, तो अराउंड चार्जर भी 45 डिग्री तक गर्म हुआ था। तो जस्ट अभी मी 10i 100% पे कंप्लीट हुआ है और इसको लगा है 1 घंटा 13 मिनट और 74% के अराउंड ही क्लेम करता है Xiaomi भी कि इतने में इनका फुल चार्ज होता है फ़ोन। तो काफ़ी सही क्लेम है, लेकिन यही सेम क्लेम आपको Redmi Note 10 और 10 Pro के लिए भी होता है, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये दोनों फ़ोन काफ़ी पीछे हैं। Redmi Note है आपको 80% के ऊपर है और Note 10 Pro है 74% पे। तो पता नहीं क्यों भाई इनके फ़ोन में कभी कभी रहता है ये दिक्कत। तो अभी इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं और पूरा पावर अभी Redmi Note 10 Pro की चार्जर में जा रहा है और इसके नीचे में पूरा खाली है। तो एक बार चार्जर का ये ले लेते हैं टेम्परेचर। तो चार्जर इनका 41.4 पे हो रहा है और फोन कितने पे हो रहा है, फोन काफी ठंडा हो चुका है काफी ज्यादा। सबसे अच्छी बात Xiaomi के फोन्स की ये लगती है कि लूज करता है टेम्परेचर लास्ट में आके, और यही सेम फोन ये भी कर रहा था, तो अच्छी चीज है ये। तो वेट करते हैं। सो अभी जस्ट Redmi Note 10 100% पे चार्ज हो चुका है, मैंने लैब क्रिएट कर दिया था, 1 घंटा 38 मिनट में ये फुल चार्ज हुआ था ये, और अभी फुल चार्ज हो गया, 37.8 आ रहा है आगे से, 39.4 आगे से, हल्का सा हीट है ये फ़ोन। तो अभी लास्ट फोन बचा है हम लोग का Redmi Note 10 Pro, 8 मिनट दिखा रहा है, इसको फुल चार्ज होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो ऑलमोस्ट 2 घंटा होने वाला है और अभी ये 99% पे जस्ट हुआ है, 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा हम लोग को। दिक्कत परेशानी लग रही है मेरे को मेरे यूनिट में या किसी और यूनिट में, देखना पड़ेगा। जैसे कि Mi 10i ने सेम चार्जर के साथ सेम कंडीशन में 74 मिनट में फुल चार्ज कर लिया था, वैसे इसको भी ऑलमोस्ट 100 मिनट्स में कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है और अभी ये 100% पे हुआ नहीं है, तो इसको वेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट हम लोग के सामने, 1 घंटे 1 मिनट Realme X7, उसके बाद फिर Mi 10i, उसके बाद फिर Note 10 और Note 10 Pro 1 घंटा 55 मिनट में। तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है मेरे हिसाब से। एक बार इसका हीटिंग चेक कर लेते हैं, हीटिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और आगे से भी सेम 40 डिग्री सेल्सियस। और आप रूम टेम्परेचर देखोगे तो रूम टेम्परेचर सेम 30-31 के अराउंड जा रहा है, चार्जर अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से Realme X7 तो डेफिनेटली चार्जिंग किंग है, लेकिन इसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, 4300 mAh है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो चार्जिंग टेस्ट का विनर है Mi 10i है, इसके अंदर 4800 mAh बैटरी है और इसने 74 मिनट में काफ़ी तगड़ा चार्ज किया और कंसिस्टेंट भी रहा और ज़्यादा हीट भी नहीं किया इसने, और फ़ोन भी हल्का सा मोटा सा है। और अगर बात करते हैं Redmi Note 10 Pro की, इसको एक दो बार और मैं आपको 100% चार्ज करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ और फुल रिव्यू में आपको अपडेट के साथ बताता हूँ कि क्या दिक्कत क्या परेशानी आएगी इसके साथ। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना था, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, और डेफिनेटली देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय।